मैं हूं आपके साथ जयंती झा और आप देख रहे हैं OMH News। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले हर पार्टी को किसी न किसी तौर पर झटका लग रहा है। जहां अभी तक ममता बनर्जी को झटके लग रहे थे, तो अब ये झटके विपक्षी खेमे को भी लगने शुरू हो गए हैं। इस बार ये झटका असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को लगा है। AIMIM के बंगाल चीफ SK अब्दुल कलाम ने पार्टी बदल ली है और बाकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ TMC के खेमे में वो शामिल हो गए हैं। तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद पार्टी मुख्यालय में कलाम ने कहा कि कई वर्षों से पश्चिम बंगाल में शांति का माहौल है और विद्वेष के वातावरण को दूर रखने के लिए उन्होंने पार्टी का रुख किया है। हमने देखा है कि पश्चिम बंगाल शांति का स्थान हुआ करता था, लेकिन कुछ समय से विद्वेष का माहौल हो गया है और इसे ठीक किया जाना चाहिए, इसलिए मैंने तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि AIMIM को अतीत में पश्चिम बंगाल की राजनीति में प्रवेश करने की कोशिश करनी चाहिए थी और इस समय राजनीति में आने की कोशिश करना उचित नहीं होगा। इससे बेवजह में वोट कटेंगे जिसकी जरा भी जरूरत नहीं है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें हासिल करने के बाद ही ओवैसी का मनोबल बढ़ा और उन्होंने बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना लिया, लेकिन इस ऐलान से पहले ही ओवैसी को झटका लगा था। पिछले साल नवंबर में यानी कि 2020 नवंबर में AIMIM नेता अनवर पाशा अपने सहयोगियों के साथ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे, तो अब चुनाव के नजदीक आते आते ये दूसरा बड़ा झटका है जो ओवैसी को लगा है। लेकिन अभी तो बंगाल विधानसभा चुनाव का आगाज होना बाकी है। आगाज होने के साथ किस पार्टी को कितने झटकों का सामना करना पड़ेगा, ये चुनाव के नजदीक आते आते मालूम पड़ता जाएगा। हाल फिलहाल इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही खबरों की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही खबर के साथ। धन्यवाद।